हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यू के लिए गेम्स महक में दोस्तों एक फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी सी गेम लेकर लेकिन प्लीज़ प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाना अच्छी अच्छी गेम्स आती हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा तो चलिए करना क्या है इसमें आपको हर एक किटी मेम्बर को एक कॉपी और एक पेन दे देना है या पेपर या पेन दे देना है अब इसमें कुछ मैंने चिट्स बनाई हैं चिट्स क्या चिट्स में क्या डला है चिट्स में अल्फाबेट डले हैं हिंदी के कुछ कुछ ऐसे अल्फाबेट जिससे काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हमको मिल सकते हों जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं जैसे र नाम के साथ मैंने एक सेंटेंस बना के रखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं एज ए एग्ज़ैम्पल आप अपने किटी मेंबर्स को ये पढ़कर सुना सकते हैं उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट निकलेगा उनको एक मिनट के अंदर उस पर सेंटेंस बनाने हैं। जैसे र पर कैसे अगर र निकलता तो क्या बन सकता है राधा ने रत्ना को बोला आज रात को जल्दी सो जाना सुबह हम राधा की धानी में जाएंगे रात को रसगुल्ले खाकर जल्दी आ जाएंगे तो रुक रुक के मत चलना रात हो जाएगी तो बड़ी बहन रेखा चिल्लाएगी रास्ता बहुत लंबा है बीच में रमेश की दुकान आएगी वहाँ से हम आम रस पिएंगे रास्ते में रेत भी बहुत है रिक्शा भी देर से मिलेगा बीच में राधा रानी का मंदिर भी आएगा इस तरीके से एक मिनट में हर किसी को कंटिन्यू वाला सेंटेंस बनाना है मतलब एक कहानी की तरह बनाना है जिस जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स यूज कर पाएगा उस नाम के जो भी नाम निकलेगा तो वो विन करेगा जैसे इसमें कितने र से वर्ड आए हैं एक ये र एक ये रत्ना एक दो तीन तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह देखो मैंने अट्ठारह वर्ड्स लिख पाई हूँ इसी तरीके से जिसके सबसे ज़्यादा वर्ड्स होंगे उसके पूरे कहानी में जो भी सेंटेंस वो लोग बहुत लंबा वाला बनाएंगे उसमें वो विन करेगा अब इसमें मैंने कौन कौन से डाले हैं मैंने वही अल्फ़ाबेट डाले हैं जिससे काफ़ी सारे नाम बन सकते हैं जैसे ल है ल बनाया है मैंने क बनाया है एक त बनाया है त से भी काफी वर्ड्स होते हैं ताई र स र तो आप क्या कर, बता ही चुके हो उनको एज अ सेंटेंस तो आप र नहीं भी डालना एक न है म है म से तो काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं प है च है ठीक है इस तरीके से च से जैसे चाची है चम्मच है इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं जैसे प है प से मैं आपको बता दूँ जैसे थोड़ा सा ही ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पपीता मैंने रात को पपीता खाया पपीता बहुत कड़वा था पापा ने बहुत चिल्लाया कि पपीता कच्चा नहीं लेकर आना पपीता पक्का ही लेकर आना तो इस तरीके से आप सेंटेंस तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कोई भी बना सकता है ये मैंने अगर आप उनको केवल एक ही अल्फाबेट देना चाहते हैं तो वो आप एक भी दे दीजिए उनको अपने हिसाब से लेकिन अगर आप ऐसे बना कर जाएंगे, तो उस टाइम पर सबके सामने एक चिट उठाना जो भी चिट पर अल्फाबेट आएगा स्टार्ट हो जाएगा उनका टाइम और एक मिनट या डेढ़ मिनट जो भी आपको सही लगे उतना टाइम उनको दीजिएगा हर कोई अपने पेपर और पेपर पर लिखता जाएगा सेंटेंस जिसके सेंटेंस में सबसे जिसकी कहानी में सबसे ज़्यादा च वाले वर्ड होंगे वो विन करेगा और आपको एक बात का ख्याल रखना है कि सेंटेंसेज अच्छे बने हुए होने चाहिए जैसे तैसे कहीं की भी लाइन कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए भले नाम रिपीट हो वो चलेगा लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कभी कोई कुछ लिख रहा है फिर कुछ लिख रहा है एक उसमें रिदम होनी चाहिए एक कहानी जैसा लगना चाहिए तो आई होप गेम समझ के होंगे कैसे खेलनी है तो खेलिए आप भी बहुत मज़ा आएगा कोई भी कन्फ्यूजन होना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय